राजस्थान से साइकिल यात्रा लेकर निकले संघ प्रचारक पर मथुरा में कुछ लोगों ने सदर बाजार इलाके में हमला कर दिया। आपको बता दें कि प्रांत महाविद्यालय प्रमुख राधेश्याम साइकिल यात्रा पर ब्रज के लिए निकले थे। राधेश्याम जैसे ही थाना सदर बाजार क्षेत्र के दामोदरपुरा इलाके में पहुंचे तो वहां से गुजर रहे एक बाइक सवार की साइकिल से टक्कर हो गई, जिसके बाद बाइक सवार और उसके साथियों ने संघ प्रचारक राधेश्याम पर हमला कर दिया और फरार हो गए। वहीं आनंद फानन में घायल राधेश्याम को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। तो बीच में से एक शख्स जिसके हमने कहा कि थोड़ी देर रुक जाइए, लेकिन वह नहीं माना और बीच में से उसने क्रॉसिंग की। क्रॉसिंग करने के बाद में एक हमारा विद्यार्थी गिर जाता है, साइकिल टकरा दी जाती है मोटरसाइकिल से उसे। उसके बाद उसके कहने पर समझाया गया कि भैया आप थोड़ी देर रुक भी सकते थे, परंतु वह माना नहीं और उसने कहा हम तो निकलेंगे ऐसे ही, हमारे गांव का रास्ता है, मेरे गांव में निकलना ही है। मैंने कहा मैं कि आप निकल सकते हैं, परंतु थोड़ी देर इंतज़ार करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, या बीच में जहाँ जगह पड़ती है वहाँ निकल जाते। अब उससे गिर गया कि मेरे को मतलब नहीं गिर गया वगैरह नहीं है, क्योंकि ऐसे इसने मेरा गांव का रास्ता है, मैं यहाँ से निकलूँगा, क्या भी कर लोगे आप। और फिर वह गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करने के बाद में और इतनी देर में 15-20 जने और आ जाते हैं, कुछ लाठी या कुछ ऐसे हाथ में वगैरह लेकर। उधर आरएसएस नेता पर हमले की जानकारी मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने हमले में दो नामजद सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल सूचना हम लोग के पास आई थी, हमारी इंस्पेक्टर गए थे वहां पे मौके पे, हमने प्राइमा पेशी पहले एनसीआर लिखा गया था, मारपीट का मुकदमा लिखा गया है और रात में भी हमने दबिश डाली, शीघ्र ही हम उनको गिरफ्तार करेंगे, कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है की। और चूँकि आपस में कहासुनी हुई थी तो जाहिर सी बात है कि कोई ये बहुत दूर के नहीं है, लेकिन फिर भी जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई करें। फिलहाल पुलिस हमला करने वाले लोगों की तलाश कर रही है। देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले का कब तक खुलासा कर पाती है। मथुरा से मदन सारस्वत, पंजाब केसरी टीवी।